हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ब्लूजे जो कि आईसीएससी बोर्ड में काफी यूज होता है, ब्लूजे तो ब्लूजे पर हम दो नंबर्स का एडिशन कराना हो तो कैसे कराएंगे जावा में। तो जावा का ये प्रोग्राम है और अगर आपके पास जेडीके है सिस्टम में और आपने पास सेट कर रखा है तो आप नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड पर भी कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लूजे पे काम कर रहा हूँ, तो चलिए ब्लूजे को हमें ओपन करना है। यहां से मैं ओपन कर लेता हूं ब्लूजे को, और ब्लूजे को ओपन करके हम इसमें दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। आपको प्रोजेक्ट पे जाना है और यहां न्यू प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर मैं प्लस के नाम से प्लस डॉट जावा लगाइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन होती है जावा फाइल की, और यहां से ओके प्रेस करिएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्लास का भी नाम प्लस ही रखना है आपको। आपने जो फाइल सेव करते वक्त नाम दिया है, न्यू प्रोजेक्ट सेव करते वक्त नाम दिया है, वही नाम क्लास का भी होना चाहिए। चलिए ओके प्रेस करते हैं और यहां से आप क्लास बनाते हैं। तो यहां पे प्लस नाम से हम क्लास बनाएंगे, तो ये प्लस कर दिया हमने, एंटर किया तो यहाँ पे प्लस नाम से ये आ गया। इसको मैं यहां से डबल क्लिक करता हूं, तो अब ये सारी चीजें जो आ रही हैं इसको मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और डिलीट बटन प्रेस कर देता हूं ताकि ये डिलीट हो जाए। हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, तो चलिए अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम यूजर से इंटर करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट जावा, ठीक है, डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर लगाते हैं हम जब हम यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं तब। ओके, तो ये स्कैनर कर लिया हमने। नीचे आएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने लगा लिया। ये पब्लिक क्लास बनाएंगे अब, तो यहां से नीचे आकर के पब्लिक क्लास हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था प्लस, तो प्लस देंगे यहां पे नाम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉमा लग गया है गलती से, इसी वजह से एरर आ रही है। यहाँ पे डॉट लगाना है आपको, कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब पब्लिक क्लास बनाएंगे। किस नाम से क्लास है हमारी, प्लस नाम से है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग एआरजीएस, स्ट्रिंग एआरजीएस। ठीक है, इतना कर लेने के बाद से हमें इसको करना है क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया हमने। क्लोज करने के बाद इंटरफेस करके नीचे आएंगे और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद फिर नीचे आएंगे, तो अब यहां पे हमें स्कैनर लिखना है, स्कैनर। ठीक है, आगे लिखेंगे केबी डॉट न्यू। ये सब क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, इन सब का डिटेल में एक और भी वीडियो आगे मैं बनाऊंगा, तब हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम एडिशन का है तो इस पे अभी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद यहां पर करना है आपको इस लाइन को टर्मिनेट करिएगा, देन नीचे हम आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर हमने लिखा है स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू, यहां पे आपको डॉट नहीं देना है, यहां पे इज इक्वल टू न्यू देना है, के बी इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इज इक्वल टू देना है, डॉट नहीं दीजिएगा। इज इक्वल टू देने के बाद यहां पे आप इसको प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे कि सी लैंग्वेज में हम लिखते थे प्रिंट एफ, यहां लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। एलएन क्यों लिखते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो मैं क्रिएट करूंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि प्रिंट एफ जैसे वहां होता है, यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन होता है। ठीक है, अब यूजर को क्या मैसेज दिखाई देगा, एंटर टू नंबर्स, यही मैसेज यूजर को दिखाई देगा और यूजर इसको देख करके कोई मैसेज एंटर करेगा। ठीक है, तो एलएन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखने के बाद फिर इंट, ठीक है, लिखेंगे इंट, चूंकि हम अब वेरिएबल लेंगे, पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू स्टोर होगी, तो एक वेरिएबल हम ए बना लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू के बी, ठीक है, डॉट नेक्स्ट इंट, डॉट नेक्स्ट इंट।
तो int जो है i capital होगा, ये ध्यान रखिएगा। Next int कर दिया हमने और यहाँ से इसको किया close, enter करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे इसी को मैं copy कर लेता हूँ, no need to write again, so that's why I want to copy, copy करने की सुविधा इसमें है, तो हम copy कर लेते हैं और यहाँ variable का नाम change कर देंगे, b कर देंगे, ठीक है? बस इतना ही आपको करना है, फिर enter करके नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको लगाना है int, फिर आपको क्या लगाना है int लगाना है, क्योंकि एक तीसरा वेरिएबल भी बनेगा जिसका नाम हम रख देते हैं s, ठीक है? तो s equal to enter press करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको print करवाना है, तो print करवाने के लिए system dot out dot println ये लिख देंगे हम, इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या देना है हमें, डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे, मैं लिख देता हूं सम ऑफ, यहां लिखता हूं मैं सम ऑफ, ठीक है? ये हो गया हमारा काम, जैसा कि जानते हैं कि टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाते हैं, तो यहां सेमी कॉलन लगा दिया हमने, एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा काम हो गया, ठीक है? आइए इसको कंपाइल करते हैं, यहां पे ओ यहां पे प्लस छूट गया है, यहां पे प्लस लगा लेते हैं और अब इसको कंपाइल करवाते हैं, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करवाने की बारी, इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है? ये प्लस नाम से सेव है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये यहां से इसको रन करवाएंगे। आइए देखते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, यहां नीचे आपको टाइप करना है व्हाटएवर यू वांट टू टाइप, जैसे 66 पहली वैल्यू मैंने दे दी और 6 मैंने सेकंड वैल्यू दी, तो 66 में 6 ऐड हुआ, 72 आ गया, ठीक है? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो कैसे रन कर रहा है, ठीक है? यहां पे फिर हम करेंगे इसको रन, तो यहां पे अब 77 और 5, 77 में 5 ऐड किया, 82 आ गया, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।